तो गाइस फाइनली हम नडाबेट जीरो पॉइंट बॉर्डर से वापस आ गए और जहाँ हमने हमको बस से उतारा वहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही है अभी, तो हम बता दें आपको क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो गाइस नडेश्वरी टेंपल शिवा दर्शन और उसके बाद वाला जो पार्ट है, तो ये पार्ट है ये वाला जहाँ एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी हो रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ आए हैं शिवा दर्शन के बाद का जो हमने व्यू एंजॉय किया है वो है ये परेड ग्राउंड के बाहर ही ऐसा लगा हुआ है सब, तो इसका एंजॉय कर सकते हैं आप। तो गाइस हमको सबसे अच्छा जो राइड लगा ये है रॉकेट इंजेक्टर। हमको ऐसे बांध के ऐसे छोड़ते ऊपर की तरफ जैसे गिलोल होता है ना वैसे। गाइस ये वाली एक्टिविटी भी बहुत ही बढ़िया है। इतनी जो अब मस्त है ना। तो गाइस इसके बाद हम गए शूटिंग रेंज पर और वहां जाके हमने ये एक्टिविटी की। इन दोनों के लेवल में फिर वो रिलैक्स रहेगा, ठीक है। तीनों को एक लेवल में लाके हमें थोड़ा सा ब्रेथ को होल्ड करके शूट करना है, ठीक है। जब आपके तीनों पॉइंट में चुका जाए तभी शूट करना है, ठीक है। डन। येलो येलो एकदम केला अंदर लगे हो, एक से येलो ना अंदर आया थी साइड में। क्या बात है, जोरदार। तो गाइस जब आप प्रदर्शनी में जाएंगे यहाँ पे सारे गैलरीज लग रखे हुए हैं और इस गैलरीज में ऐसे काफ़ी सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारी भारत की जो आर्मी जैसा काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे वो जाते हैं और कैसी कैसी मुश्किलों का सामना वो लोग करते, वो सभी का पूरा एक स्टैचू के रूप में यहाँ प्रदर्शनी रखी हुई है, तो आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह गैलरी नंबर 2 है और उसके अंदर भारत का जो स्थानिक पैरवेश है, जो भी कहते हैं वो हम कॉस्ट्यूम है, वो अलग अलग आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। और ये गाइस थे 3D मैप, वो है पूरा ये नडाबेट का, किस तरह से यहाँ पे आप आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे घूमने का है ये सब। तो दोस्तों ये इस मॉडल में देखिए आपको हिमालय की ठंडी पहाड़ियों में कैसे हमारे सैनिक जाबाजों की तरह काम करते हैं यहाँ पे और हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो ये सब हमारे देश के जाबाजों के आदि ही हैं, ये है तो हमारे देश के नागरिक हम सब सुरक्षित हैं। तो दोस्तों ये सब आपको यहाँ पे नडाबेट की गैलरीज में देखने को मिलेंगे। तो गैलरी नंबर 3 है, यहाँ पर BSF के कमांडो आर्मी वाले ये सब ऐसे रण प्रदेश में ऐसे ऊँट लेके ऊँट की सवारी करके ऐसे जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी बंदूकें रिवॉल्वर्स और ये सारे जो शस्त्र होते हैं वो सब दिख रखे हुए। गाइस दरियाई सीमा में कैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, दरियाई सीमा से भी हमारे देश में रक्षा करनी होती है, तो ये सब सुरक्षा दल के अंदर आता है ये सब। और ये जहाज है पूरे, और ये एक मूवी का वहाँ पे एक शो दिखाया गया था हमको,
तो एक थिएटर टाइप का था, वहाँ पे हमारे सैनिकों ने कैसे युद्ध लड़ा था यह दिखाता है। यहाँ पे किले नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि पूरे आर्मी खड़ी है और 3D आर्मी की तरफ ये लगता है, और वहाँ पे आप काफ़ी सारी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। पूरा परेड दिखाया हुआ है। वीडियो गाइस गैलरीज देखने के बाद हम आए शॉपिंग में, और यहाँ पे काफ़ी सारा शॉपिंग खुला हुआ है, और यहाँ पे हम एक कपड़े के और शूज़ की दुकान में आए, और यहाँ पे काफ़ी सारे शूज़, कपड़े, बैग्स, गॉगल्स, किचन, काफ़ी सारा सामान यहाँ पे मिलता था, और वो भी आर्मी की जो ड्रेसेस होती है वैसे। तो गाइस अभी गरबा चालू है, तो लोग लाइन में लग रहे हैं और गरबा खेल रहे हैं। अभी हम आपको फुटेज दिखाते हैं गरबे की। तो गाइस पहले गरबे खेलने के लिए सबको अंदर बुलाया, बाद में फ्लैग मार्च करने के लिए सबको अंदर बुलाया। वैसे अभी फ्लैग मार्च हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं, यह ऊंट पर सवारी करके हमारे आर्मी के जवान आ चुके हैं और परेड दिखा रहे अपनी। गाइस महिलाएं भी पीछे हट नहीं कर रही है, और महिलाएं भी हमारे देश की सेवा करने में आगे है, तो हमें बहुत ही गर्व है महिलाओं पर कि वो भी आर्मी में सेवाएं कर रही है, देख सकते हैं आप। SRP आर्मी सब में ये डॉग है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पसंद आई होगी,
तो ऐसे ही नए नए ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।